हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चीज़ी गार्लिक टोस्ट, यम्मी एंड टेस्टी रेसिपी, जिसको खा के आप डोमिनोज तक की गार्लिक ब्रेड को भूल जाएंगे। सभी यंगस्टर्स और बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आती है, तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर घर पर ट्राई करें। रेस्टोरेंट से भी जल्दी, टेस्टी और कम रुपीज़ में हम इस रेसिपी को घर पर बना सकते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया 2 टेबल स्पून बटर, 4-5 लहसुन की कलियाँ जिनको मैंने क्रश कर लिया था, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अमूल चीज़। मैंने यहाँ पे 2 क्यूब्स लिए हैं, आप यहाँ मोज़रेला चीज़ लेंगे तो और भी अच्छी बनेगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून ऑरिगेनो पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 टेबल स्पून लेमन जूस। सभी इन्ग्रीडियंट्स को यहाँ पर मिला लिया है मैंने। अब हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। लेयरिंग के लिए मैंने एक ब्रेड का पीस लिया, उसमें मैं इस पेस्ट को लेयर कर देती हूँ। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और झटपट से रेडी हो जाती है, तो आप सभी इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हमने नॉन स्टिक पैन लिया है, उस पर थोड़ा सा घी बटर आपको जो सही लगे वो लगा कर इस ब्रेड को रख दें। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया पत्ता इसमें ऐड करेंगे तो और भी अच्छी लगेगी। आपको एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ ऊपर से क्रश करके इस पर और लगा दिया है। थोड़ा सा ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, जिससे इसका फ्लेवर और भी टेस्टी और भी यम्मी आएगा। अब बस इसको थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। ये देखिए, हमारी चीज़ मेल्ट हो चुकी है, नीचे से भी हमारा पूरा जो ब्रेड है अच्छे से टोस्ट हो चुका है। इसको सर्व करें, मैंने इसको ट्रायंगुलर शेप में कट करा, जिससे दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और सर्विंग में भी बहुत अच्छा लगता है। सो आप सभी इस रेसिपी को ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें फॉर माई न्यू वीडियो अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली बार फिर मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन एंजॉय दिस रेसिपी। बाय बाय।